बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हार्ले डेविडसन एक्स 440 का ना इसके जो एक्सेसरीज की कॉस्ट है उनकी प्राइस कितनी रहने वाली है। तो हमारे दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पे, मेरा नाम कुश शेखाव। और आज के जो इस वीडियो में ना जितनी भी इसकी एक्सेसरीज है उनकी आपको एक बार एक एक की कॉस्ट बता देता हूँ और कौन कौन सी भी शोरूम पे अवेलेबल है वो डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। बाइक अभी यहाँ पे खड़ी है तो इसमें सिर्फ बैश प्लेट लगी हुई, इसके अलावा और कोई एक्सेसरीज पे लगी हुई नहीं है। लेकिन इस तरफ जो है एक विंडशील्ड यहाँ पे रखी हुई है जो कुछ इस तरीके से बाइक पे लग जाती है। अब मैंने उल्टी लगा दी बट ये कुछ इस तरीके से लगती है, फोटो आ रही है उसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि कैसी लगती है। और इसकी जो क्वालिटी है डिसेंट है, काफ़ी अच्छी लग रही है, इसे बुरी नहीं लग रही है। और इसकी प्राइस जो है विंडशील्ड 400 रुपये इसकी प्राइस है, काफ़ी कम है इसकी प्राइस। बाकी लेबर चार्जेस अलग से रहेगा और एक बार आप पोज करके देख सकते हैं सभी की प्राइस, फिर भी मैं एक एक करके सबकी बता दूंगा। और इसके बाद में ये लैग गार्ड है, काफ़ी लाइट वेट है बट स्टडी है, सॉलिड फील दे रहा है, खैर मोटरसाइकिल को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेगा। और इसकी प्राइस है 880 रुपये। नेक्स्ट आइटम है इसका सेंटर स्टैंड, ये अलग से परचेज करना पड़ेगा, इस बाइक के साथ में नहीं आता है, काफ़ी हैवी है और सॉलिड फील दे रहा है। और इस लेग गार्ड की जो प्राइस है 1400 रुपये है, एक्सपल्स का लेग गार्ड भी 1400 रुपये का ही आता है, तो ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस एसेसरीज की हीरो ने यहाँ पे रखी है हार्ली के लिए भी। और उधर वाले सेक्शन में भी कुछ चीज़ें रखी हैं, ये टूरिंग सीट रखी हुई है, ये वाली ओरिजिनल सीट है और इसके ऊपर मैंने ये टूरिंग सीट रख दी। अब आप देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा इससे मोटी है और कितना एक्स्ट्रा फोम इसमें लगाया हुआ है। खैर मैंने उल्टी रख दी तो अब देखो एक बार, तो अब आपको एग्जैक्ट फील आएगा कि कितना ज़्यादा इसके अंदर फोम और कम्फर्ट आपको मिलने वाला है। और आप इसको एक बार ऊपर से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ये देखो एक बार ये इससे कितनी ज्यादा चौड़ी है, तो यहां से आपको फील लग रहा होगा कि भाई ये चौड़ी है, तो आपको अच्छा कंफर्ट मिलेगा इस टूरिंग सीट से। आगे से भी काफी ब्रॉड है और पीछे से भी ब्रॉड है, तो राइडर और पिलियन दोनों को अच्छा कंफर्ट मिलेगा इस सीट से। और कमाल की बात पता है, इस सीट की प्राइस ना सिर्फ 1400 रुपये रखी हुई है, बहुत ही ज्यादा कम प्राइस है एक सीट के हिसाब से देखा जाए तो। और अब आती है बारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की, यह है एक सम गार्ड, दिख तो लोहे का रहा है, बाकी एक बार बाइक में भी लगा हुआ है उसको देखते हैं। काफ़ी पतला है और लोहे का है, यहाँ पे थोड़ी सी जंग भी लगी हुई है बट ठीक है, बाइक को जो है छोटे मोटे पत्थरों से अच्छे से ये बचा लेगा। और इसकी प्राइस भी सिर्फ 450 रुपये है, तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो जस्टिफाई करता है प्रोडक्ट। हालांकि इसे थोड़ा सा और मोटा या फिर एल्यूमिनियम का होता तो ज़्यादा अच्छा भी लगता और बाइक के साथ मैच भी करता और क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती, भले ही वो चाहे 700-800 रुपये या 1000 रुपये तक होता, लगवाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अभी तक की सारी एसेसरीज में मुझे बाकी सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, सिर्फ एक यही प्रोडक्ट थोड़ा सा हल्का लगा। तो लगभग इतना खर्चा आएगा अगर आप हार्ली डेविडसन एक्स 440 ले रहे हैं या फिर आपके पास में है और उसमें एसेसरीज लगवाते हैं तो। खैर हीरो है तो प्राइजेस काफ़ी कम रखे गए हैं सभी चीज़ों के। खैर जितनी भी एसेसरीज आपने देखी ना इनकी प्राइजेस मुझे बहुत ही रीजनेबल लगी, कि ज़्यादा हीरो चार्ज नहीं कर रहा है, हीरो या हार्ली जो है ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा है। अगर आप लगवाना चाहते हैं तो जल्दी लगवा लीजिएगा क्योंकि फ्यूचर में इनकी प्राइजेस इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, जैसी मेरी अभी यहाँ पर शोरूम में बात हुई। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।